बस अभी हम लोग बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। और IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर आज के दिन थोड़ा सा मामूली सा गिरावट देखने को मिला है। और साथ ही साथ गाइस IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर एक छोटा मोटा एक इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिला है, जिसमें कि ब्रिक वर्क्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने IDFC फर्स्ट बैंक का डेट इंस्ट्रूमेंट जो कि लगभग 2000 करोड़ रुपीस का एक डेट इंस्ट्रूमेंट को अभी डबल ए प्लस स्टेबल रेटिंग दिया है, जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट है IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से। और साथ ही साथ गाइस अभी हम लोग चले जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। और टेक्निकल एनालिसिस पे आपको दिख ही रहा होगा कि लगातार फॉलिंग चैनल जैसा एक पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें कि गाइस आपको दिख रहा होगा कि लगातार लोअर लूज एंड लोअर हाई से हमको दिख रहा है। तो डाउनसाइड मोमेंट बहुत ही ज़्यादा है। और साथ ही साथ गाइस अभी ये स्टॉक अपना सपोर्ट लेवल के आसपास कामकाज कर रहा है। और साथ ही साथ अगर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इस सपोर्ट लेवल के आसपास एक डबल टॉप पैटर्न जैसा फॉर्मेशन हो रहा है। जी हाँ गाइस, आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न जैसा फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस पैटर्न में आपको जो ध्यान में रखना होगा कि ये जो 33 रुपीज़ का लेवल है, ये बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण लेवल है। अगर इस लेवल को भी तोड़ देता है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल को अगर तोड़ देता है, तो फिर से और ज़्यादा गिरावट हमको दिख सकता है। तो अभी अभी के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच का सिचुएशन रखना होगा। कोई भी अभी एक एंट्री मत लेना इस स्टॉक के अंदर जब तक ये सपोर्ट लेवल के आसपास नहीं आ जाता है और कोई भी रिवर्सल पैटर्न या फिर ब्रेकडाउन नहीं देता है, तो तब तक आप कोई भी पोजीशन मत बनाइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो पसंद आता है तो आप जरूर हमारा चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।